और माइनॉरिटी की पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ कि रमज़ान के पावन महीने के बाद ईद की दावत देकर आज आप सबको लगभग पूरी जीटी रोड बेल्ट के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी मेहनती साथियों को जो आज यहाँ बुलाया उसके लिए मैं माइनॉरिटी सेल का और ख़ास तौर पर मोहसिन चौधरी जी का धन्यवाद करता हूँ। और ये एक ट्रेडिशन है, कोई आज का नहीं, चौधरी देवीलाल जी के समय से या तो रमज़ान में दावत इफ्तार देने की बात होती थी या ईद बनाने की बात होती थी, और उसको आज माइनॉरिटी सेल बेखूबी बहुत अच्छी तरीके से जो आगे ले जाने का काम कर रही है, ये अपने आप में हमारी एकता और अखंडता है। और मैं तो उम्मीद करूँगा, क्योंकि मेरे को पूरे नेशनल हाईवे बेल्ट के एक एक ज़िले में जाने का मौका मिला, दक्षिणी हरियाणा में तो कल से जाना शुरू करेंगे, मगर नेशनल हाईवे मैंने पूरा कवर किया, और जो उम्मीद थी उससे ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ आप लोगों ने संगठन को दोबारा इससे फेज में उठाने का काम किया। और जहाँ संगठन की बात आती है साथियों, देखो अगर आप सोचो कि अकेला दुष्यंत कुछ चमत्कार कर सकता है तो ये बहम है। अगर ये चमत्कार हमने कर दिखाना है और असली में प्रदेश में हम राज देखना चाहते हैं तो एक आग अपने सीने में हमें जलानी पड़ेगी, और वो आग होगी जो परिवर्तन को एक नया स्वरूप देने का काम करे। हमने इतिहास देखने का काम किया, और उस इतिहास के अंदर जहां जहां परिवर्तन आया वहां पार्टी की लीडरशिप से ज्यादा पार्टी के कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेवारी मानकर अपना सब कुछ त्याग कर एक प्रण लेकर काम किया कि मैंने प्रदेश के अंदर परिवर्तन लाना है। मोदी जी की टीम की जब बात करें तो देश के अंदर परिवर्तन लाने के लिए लोगों ने तो अपने दो दो साल से घर त्याग रखे, हमारे पास तो 120 दिन का लक्ष्य है, और इन 120 दिनों के अंदर अगर हमें परिवर्तन लेकर आना है तो फिर ये मानकर चलो 120 दिनों के गुदड़ बिस्तरे कह लो, कपड़े कह लो, गाड़ी की डिग्गी में डालने पड़े। और इस बार यह सोच लो भी जीरी खुद नहीं लगानी, ठेके पे देनी है कि हम फ्री माइंड होकर अपना काम संभाल दें। एक फसल की बात है, अगर एक फसल हमने खेत में छोड़कर और राजनीतिक खेत में लगाने का काम किया तो सोच लो अक्टूबर के अंदर जब फसल काटने का टाइम आएगा तो कितनी खुशहाली हमें मिली। पर वो मुमकिन कब, तो मुमकिन जब ही होगा जब एक एक साथी पूरे प्रण निष्ठा और उत्साह के साथ अगले 100 दिन सोच लो हमें एक बड़ा त्योहार बनाना है उसकी सेलिब्रेशन में लगाएगा, या हमें गढ़ जीतना है उसकी तैयारी में लगाएगा, या हमें एक नई शुरुआत करनी है। मैं तो इतना बोल सकता हूँ जिस जोश और उत्साह के साथ आप जैसे एक एक साथी ने 9 दिसंबर की तैयारी करी, जिस जोश और उत्साह के साथ आप लोगों ने 9 दिसंबर के जीत के मैदान को सींचा था, आज हमारी जिम्मेवारी है कि हम उसी प्रकार से मैदान में उतर कर और जोश और उत्साह के साथ काम करें। और ये गारंटी मैं देता हूँ, कोई बैम रखता हो, कोई प्रण रखता हो, कोई कहे 75 आएगी, 70 आएंगी, 80 आएंगी, कहने वाले तो बहुत आए हैं, गए हैं, कांग्रेस भी बड़े बड़े दावे करती थी इस लोकसभा चुनाव में, क्या नतीजा है, जब चेहरों की टकराव हुई मोदी के आगे राहुल आया तो लोगों ने मोदी को चुना, विधानसभा में भी यही बदलाव आए, और यहां अगर चेहरों की लड़ाई होने लगी तो आपके पास अपने आप में एक ताकत है, शक्ति है, एक ऊर्जा, और साथ में एक युवाओं की ऐसी फौज है जिनका उद्देश्य और लक्ष्य परिवर्तन। इसलिए निवेदन करता, और खास तौर पर क्योंकि नॉर्थ हरियाणा के लगभग हर जिले के प्रेसिडेंट भी, पदाधिकारी भी यहाँ है, सेलों के प्रधान भी यहाँ है, कार्यकारिणी, मैं कल चंडीगढ़ था, केवल मात्र 4 जिलों की अभी तक अनाउंस्ड है, 4 की, पदम सिंह दहिया जी बैठे हैं शायद उनकी अनाउंस्ड है, और तो अम्बाला ने करी थी, मगर उसके अंदर भी उनको शायद कल दोबारा करनी।
कोई ऐसा जिला नहीं है जिसने अपनी कार्यकारिणी सुरेश काला जी ने शायद कर दी पानीपत, मगर कुरुक्षेत्र ने हमें लिस्ट दी है, कैथल कर दी। मगर इसी प्रकार से सबसे निवेदन है कि अपनी अपनी कार्यकारिणियां बनाओ, कि आपकी कार्यकारिणी हो तो आपके पास एक मैन पावर हो जिनको आप जिम्मेवारी दो, जिनसे आप काम लेना शुरू करो। थोड़ा परिवर्तन हमने करना है, कई सेल के हमारे प्रधान चुनाव के दौरान छोड़ गए, उनकी जगह नए प्रधानों की नियुक्ति करनी है। कई लोग प्रमोट होंगे, उनकी जगह नई नियुक्तियां करनी है। इसलिए आपसे निवेदन कि इसके लिए जो समय हमें लगेगा लगेगा, पर आप सब भी मैदान में उतर कर आज से इस प्रक्रिया के अंदर तेजी लाए। जहां आप एक संगठन के, मैं तो माइनॉरिटी सेल को बधाई देता हूं कि भट्टी साहब आ जाओ, आप भी सेल का हिस्सा, तो आप तो हमारे प्रमुख प्रधान हो और आप वहां बैठे हो। भट्टी साहब और मोहसिन जी ने 11 दिन लिए, 2 दिन एक जिले में लगाते, 2 जिलों में एक पूरा दिन लगाते थे। और मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली बताओ, सबसे पहले इनने अपने हल्का प्रधान, जिला प्रधान और पूरे प्रदेश की कार्यकारिणी की अगर कोई एक सेल की घोषणा हुई तो केवल मात्र माइनॉरिटी सेल। और अब मेरे पास नेक्स्ट आया है तो टपरीवास सेल आया है, जिनने दोनों अपने जिला हल्का और साथ के साथ कार्यकारिणी की भी पूरी लिस्ट ऑन पेपर ला कर दी। इसलिए आपसे निवेदन करता हूं सभी प्रभारियों से, प्रधानों से और खासतौर पर नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर से, आप लोग नेशनल बॉडी के अंदर हो, आप मेरे को देखो, मैं कोई रुका, आज आपको भी अपना इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। अपने जिले से बाहर निकलो, जिले को अडॉप्ट करो और उसके अंदर जाकर एक एक साथी को एक्टिवेट करने, क्योंकि आप एक बहुत बड़े पद पे बैठे हो, आपकी जिम्मेवारी से अगले पे दबाव बनता है। और एक निवेदन जरूर करूंगा, कई जगह मैंने देखा कि आपसी टांग खिंचाई ज्यादा होती है, काम कम होता है। और खारी मीठी सच्ची बात यह है कि अगर हम एक दूसरे की टांग खींचने लग जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। जब मैं एक टांग पकड़ लूंगा तो लंगड़ाते हुए 2 कदम लग के भी गिर जाऊ। आज तो मैं हाथ मिला के चल रहा है और उसका नतीजा मिलेगा। ये जो आपके अब 6 लाख 6.25 लाख वोट आए, ये सबके साथ मिलकर चलने के आए। अगर 38,000 वोट आपके जींद के अंदर आए थे तो सारी टीम को एकजुट होकर मैदान में उतरने का मौका मिला तब आए। लोग कोशिश करेंगे आपके बीच में अफवाहें फैलाकर, फूट डालकर कि आप कमजोर थे, पर आपकी ताकत आपकी एकता में। पार्टी जिम्मेवारी जिसको देगी वो तो चुनाव जब पास आएंगे जब देगी, आज तो कोई नहीं दे। आज तो आपको सेलों की जिम्मेवारी दे सकते हैं, हल्कों की जिम्मेवारी दे सकते हैं, पदों की जिम्मेवारी दे सकते हैं, मगर उस जिम्मेवारी के साथ रिजल्ट क्या लेकर आओगे, ये जिम्मेवारी तो मेरी नहीं है आपकी। और मैं तो स्पष्ट तौर पर कह रहा हूं, आप लोगों के जिले के अंदर 3 मुहिमों की शुरुआत हुई, जिसमें रोजगार मेरा अधिकार एक है, दूसरी मुहिम आपकी पेंशन वाली है और तीसरी कर्ज माफी वाली। स्टेज पे मैंने पूरी तौर पर एक एक बात समझाई आपको। अगर कोई मन में ईर्ष्या भी रखता है कि मैंने लोकसभा का चुनाव लड़ना था, नई जिम्मेवारी मिली, आगे तो विधानसभा का लड़ना है, अगर किसी के मन में इच्छा भी, तो मेहनत करके उन फॉर्मों पे दिखाओ। और फॉर्मों पे मेहनत कब दिखेगी, जब बेरोजगारी के लिए जाओगे और बच्चों की डिग्रियों की फोटोकॉपी तक चिपका के लाओगे। खाली फॉर्म तो मैं घर बैठा भी 50 भर दूंगा, पर जब आपको कहना पड़ेगा कि भट्टी साहब 12वीं करी हुई है, डिग्री करी हुई है, उनकी फोटोकॉपी दो मैं लगाऊंगा। मोहसिन जी, हमारी भाभी 55 साल की होगी, उनका आधार कार्ड की कॉपी दो, फॉर्म मैं भरवाऊंगा। अगर एक एक घर जाके जब फोटोकॉपी करनी पड़ेगी या मोबाइल में फोटो खींच के उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, जब पता चलेगा कि वो मुहिम कितनी मुश्किल। मगर अगर आपने 5-5, 7-7, 10-10 हजार लोगों को उस मुहिम से हल्के में जोड़ लिया, अगर 10,000 लोगों को जोड़ा, तो ये मानना 7,000 लोग अगली विधानसभा में आपके वोटर बनकर आपके साथ खड़े। तो इसलिए निवेदन है कि अब सब साथी लगे, क्योंकि समय भी ज्यादा हो गया, 10:15 हो गए। आप लोग सब मेरे ख्याल से 6, 6:30, 7 बजे के
मोहसिन जी के न्योते पे आए हुए हो। यमुनानगर वालों को मैं मुश्किल से 2-4 हफ्तों में एक बार मिलता हूँ, तो आधा घंटा कह के 2 घंटा तो फालतू लेते ही लेते हैं प्यार के कारण। मगर ये प्यार यमुनानगर में नहीं है। मैं सुरेश काला जी को हमेशा हंसता हूँ, अगर पानीपत में मैंने दोपहर का प्रोग्राम दे दिया तो अंधेरा होने के बाद ही पानीपत से छोड़ते। ये मेजोरिटी हर जिले के अंदर है, पर ये आपका प्यार है जो आज अपने संगठन को 6 महीने में धरातल से लेकर इस मुकाम पर लिया है। पर हमारे पास 4 महीने और है, अब इस मुकाम से राज में लाने का अगर कोई काम कर सकता है वो भी आप लोग कर सकते हो, मैं अकेला नहीं कर सकता। इसलिए आप सब आए, दोबारा मोहसिन जी का, सारी माइनॉरिटी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, एक बार बता दें शॉर्ट इस पे क्या बैठ वैसे सर होली मिलन, होली मिलन के बारे में, होली मिलन तो नहीं, ईद मिलन है, ईद मिलन, सॉरी क्षमा चाहूंगा, क्षमा चाहूंगा। नहीं इस पे छोड़ो आप भाई, लगवाओ खाना। हाँ लग गया, हो गया तो खाना गाना था सुन, मैं तो गाने से वैसे ही आज बोर हो गया। मैं तो उठ के चली गई थी, इनसे बोली यार सलमा पानी सलमा का जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारा की भाषा भारत ने, दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत को, क्यों चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही